अंकल जी लिफ्ट, थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी यात्रा शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में, और मैं अभी इस टाइम हरिद्वार हूँ। रात में रुका था यहाँ गुरुद्वारे में, तो यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा है, मतलब खाना पीना। अभी चाय पी है मैंने, तो अभी मैं जा रहा हूँ, आज देहरादून का टारगेट है। यहाँ से 100 किलोमीटर है, और उससे आगे आज है सत्संग का प्रोग्राम, जहाँ हमारे सतगुरु आ रहे हैं। तो अगर टाइम से पहुँच गया, वहाँ 11 से प्रोग्राम है, तो इसलिए आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो अब यहाँ से चेकआउट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे, जिनका थैंक यू बोलना है। तो ये आप देख रहे हैं गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ मैं रात रुका था, तो इनसे थैंक यू जी रात को सेंड देने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मैं ही कह रहा था, ये हरिद्वार के लिए, सॉरी देहरादून के लिए रास्ता किधर से है? सीधे किधर? गाइस ये है गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा साहिब। तो रात बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर रुककर, और काफ़ी हेल्प हुई मेरी विदाउट मनी, मतलब कोई पैसा नहीं। पैसे चार्ज कर रहे थे और लोगों से 100 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, लेकिन मेरे से कोई पैसा नहीं लिया। पता क्यों? केवल इस बोर्ड की वजह से कोई पैसा नहीं लिया। कहा कि आप आराम से सोइए, खाना भी खाइए। तो भारत यात्रा अभी मज़े चल रहे हैं, आनंद आ रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, वहाँ से लिफ्ट लेना शुरू करूँगा। उसके बाद आज मुझे पहुँचना है, क्या बताया था मैंने, एक तो भूल बहुत जल्दी जाता हूँ, देहरादून जाना मुझे आज का टारगेट है देहरादून। तो गाइस कहीं में जाइएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में, और चलते हैं, पहुँचेंगे आज देहरादून। रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, और काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का भी, पर मुझे ट्रेन से नहीं आना, मैं तो अभी जा रहा हूँ आगे बस स्टैंड, वहाँ से लिफ्ट लेना शुरू करूँगा। और ये है हरिद्वार प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो अभी हमें जाना इधर। तो चलिए और पहुँचते हैं बस स्टैंड। उत्तराखंड परिवहन निगम बस स्टैंड हरिद्वार, ये हरिद्वार के रोड, ये टैक्सी स्टैंड है, वो कह रहे हैं टैक्सी स्टैंड भी दिखाओ। अब ऐसा सारा कुछ दिखाता डालूंगा ना, ये बताओ तुम हैं। चलो अभी देखता हूँ, उसके बाद मिलेंगे। अंकल जी लिफ्ट, थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी यात्रा शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। तो अभी अंकल जी ने मुझे लिफ्ट दी, और अभी मैं आगे जा रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाकी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ का काम, और देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे ट्री वाले कम देते हैं, लेकिन इन्होंने देख के रोक लिया और मुझे यहाँ तक छोड़ा आगे जाकर। अब मैं हाईवे पकड़ूँगा, हाईवे से फिर पहुँचूँगा देहरादून। तो गाइस अभी मुझे लिफ्ट मिल चुकी है, और अल्टो है ना ये, सॉरी 800, अल्टो 800 में, 800, और ये भाई दिल्ली के हैं, ये श्याम प्रेमी हैं, मतलब श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इन्होंने अभी लिफ्ट दे रखी है, थैंक यू भैया जी। और ये भी हरकी पौड़ी मतलब नहाने जा रहे हैं गंगा जी, तो मैं अब यहीं उतरूँगा। इसके आगे तो बताइए आपको कहाँ जाना है, देहरादून जाना है, तो बने रहिएगा। आप देख रहे हैं मैं अभी हाईवे पर हूँ, और
यहाँ से अभी 28 किलोमीटर रह गया है देहरादून, यानी कि मैं अभी काफ़ी दूर चला आया हूँ और सीधी लिफ्ट मिली हुई है देहरादून के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई मतलब रुकना नहीं है। एक भैया बिजनौर से आ रहे थे तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी है, तो अभी सीधा जाना है देहरादून, उसके बाद जाऊँगा विकास नगर जहाँ है सत्संग का प्रोग्राम। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं मत जाइए और देखते रहिए यहाँ की खूबसूरती। उत्तराखंड में आ गया हूँ, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गया हूँ। पहले मैं उत्तर प्रदेश में था, अब आ गया हूँ उत्तराखंड में, बिना पैसों के, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। आप भी आइए, घूमिए, मज़े लगे। ठीक है, मिलते हैं अभी देहरादून में। तो गाइस, भैया ने मुझे काफ़ी दूर की लिफ्ट दी, कम से कम 50 किलोमीटर तो हुआ ना, 45 नहीं, हरिद्वार है, और ये कितना हुआ? हाँ, तो काफ़ी दूर की भैया ने लिफ्ट दी, थैंक यू भैया जी। और ये आए हैं बिजनौर से, चल रहे हैं ये, तो इन्होंने मुझे यहाँ से छोड़ दिया है आके, और अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से अभी 7-8 किलोमीटर रह गया है देहरादून, फिर वहाँ जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बने रहना हमारे। मुझे ऑटो में मतलब लिफ्ट मिली, और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर, कोई चौराया है, तो यहाँ से अभी मुझे जाना वहाँ पर, थोड़ी सी दूर हो रहा है ये। अंकल जी, विकास नगर के लिए रास्ता किधर से गई है? इधर से भी जा सकते हो, पास किधर से पड़ेगा? गाइस, भाई ने मुझे लिफ्ट दी, कम से कम कितना होगा भैया, कितना होगा वहाँ से यहाँ तक? यहाँ से आपने 25 किलोमीटर की लिफ्ट दी, और अभी आप जॉब पे जा रहे हैं? जॉब पर, अभी जॉब पे जा रहे हैं, मैं अभी आगे जाऊँगा, यहाँ से शुरू होगा विकास नगर। तो थैंक यू भैया जी का, और चलो गाइस अभी आगे जाऊँगा, तो आगे जो भी बस बने रहना पूरा। अभी हम लोग पहुँचे धूलपुर से, ये लांगा रोड, धूलपुर है ना, लांगा रोड, लांगा रोड चला। तो भाई अभी मैं देहरादून से आगे निकल आया हूँ, और ये लांगा रोड है, और अभी भैया जी ने मुझे लिफ्ट दी है, थैंक यू भैया जी का, नो प्रॉब्लम। और सुबह मैं चला था वहाँ से हरिद्वार से 6 बजे, और तब से यहाँ तक आ गया हूँ हरिद्वार से। भैया कब कितना हुआ यहाँ से वहाँ तक? हरिद्वार है अराउंड 80 किलोमीटर तक अब तक मैं चला आया हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस अब वहाँ विकास नगर पहुँचना है, वहाँ का आगे का दिखाएंगे। बाकी यहाँ की रोड वगैरह और हरियाली हरियाली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब उत्तराखंड में आकर। जो भी होगा चलो आगे दिखाऊंगा आपका, तो बने रहना हमारे। भैया जी ने मुझे ड्रॉप कर दिया है, और थैंक यू भैया जी, थैंक यू, वेलकम, मिलते हैं बाद में। sure, ठीक है, बाय। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर, ये फिर मंडी वगैरह जाए पता नहीं क्या है, तो इसके बाद आगे जाना है विकास नगर, चक्कर पकड़ना पत्थर है क्या है, चलो जो भी होगा दिखाऊंगा। ठीक है, तो
गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूं बैराज स्टेडियम जहां पर आज सुबह का प्रोग्राम और ये अंकल जी सुरेंद्र सर के हैं जो अपने अपनी डेली में लिफ्ट दी है और बहुत ही अच्छा सफर कट रहा है। जब आप लोग साथ में चलते से बात का कोई डर और चिंता नहीं है। अगर देखो मेरे सामने पहाड़ है, कितनी सुंदर ये रास्ता है, यहाँ के लोग भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो अभी थोड़ी देर में बैराज स्टेडियम पहुँचते हैं, वहाँ जो जगह वो भी दिखाऊंगा मैं। फाइनली विकास नगर और देहरादून से बहुत आगे निकल आया हूँ मैं। गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बैराज स्टेडियम जहाँ की ये सत्संग का प्रोग्राम है। इधर ये पांडर लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं लंगर वंगर खाने जा रहा हूँ और यहाँ फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है सत्संग के दौरान। तो बाद में मिलेंगे सत्संग के बाद, 11 बजे सत्संग है 2 बजे तक, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। तो चलिए बाय, अब तक अपना ध्यान रखना और अभी थोड़ी देर मिलते, ठीक है। तो गाइस फाइनली सारा कुछ प्रोग्राम हो चुका है और सत्संग वगैरह भी हो गया है। मैंने अपनी लंगर कर लिया है, दाल और क्या नाम है आपके चावल और हलवा। तो बहुत ही टेस्टी लंगर था, क्योंकि यहाँ फ़ोन चलाना है इसलिए मैंने तो लगाया, फ़ोन वोन नहीं चलाया वीडियो। तो अभी मैं जा रहा हूँ विकास नगर, पास में ही है, तो देखते हैं वहाँ स्टे करेंगे और उसके बाद अपना सामान वगैरह रख के फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो अभी तो यात्रा मस्त चल रही है, पर गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, और कल हो सकता तो मुझे निकल सकता हूँ। तो चलिए यहाँ का देखो व्यू देखिए, इधर काफ़ी पांडर वगैरह लगे, उधर भी लंगर वंगर चला हुआ है, ये पहाड़ बड़े। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ आगे, एक भाई आने वाले हैं मुझे लेने, तो उनसे मिलूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो कहीं मैं जाइए देखते रहिए। मैं जो बता रहा था भाई आने वाले हैं तो ये मिल चुके हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ इनके रूम पर, तो वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, देखते हैं जो भी होगा, और यहाँ पे जो भी जगह हैं उनको देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये नगर है, आपकी कॉलोनी है दिनकर, इनका दिनकर है, और देखो कितनी सुंदर सुंदर सीनें खड़ी हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, ठीक है, बने। तो भाई फाइनली मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, और भैया अभी मेरे को लेके आए थे विकास नगर से, तो इन्हीं के रूम पर मैं अभी नहाया हूँ, ये यहाँ जॉब करते हैं। तो नहाकर एकदम बहुत ही अच्छी मतलब ताजगी सी महसूस हुई, बहुत थकावट हो रही थी, तो नहा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपने अगले, देखते हैं कहाँ पर ठिकाना मिलता है। तो अभी ये भैया मुझे फ्लावर लाए थे आपका, और ये सभी इनके रूम पार्टनर ना फ्रेंड ना, यानी कि यहाँ सभी जॉब करते हैं ये। सब दूर दूर से ही है वैसे तो, सब नहीं आगरा से ही है, ये आगरा से हैं, और आप कहाँ से? आगरा, मतलब सभी आगरा से ही हैं। तो सभी ने काफ़ी सारी हेल्प की, एक अंदर ही बैठे हैं, वो आ नहीं रही, धूप पड़ रही है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी ये कौन सा एरिया है? विकास नगर, विकास नगर में आता दिनकर कॉलोनी के नाम से। तो चलिए, और एक और बार सभी का थैंक यू, हमारा यूट्यूब चैनल है ये गाइस। चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए गाइस। और गाइस आप भी देख रहे हैं गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा बना हुआ है, हरिद्वार में बड़ी देहरादून में ही, और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बना हुआ है एकदम। आगे चल के दिखाता हूँ, देखिए आप।